हेलो, मैं विकास राजोरा। मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी और आज हम 10th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। दो अलग अलग टर्म है, दोनों को अलग अलग तरीके से ही पढ़ेंगे। पहले हेरिडिटी डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं हेरिडिटी। व्हाट इज हेरिडिटी? सिंपल सा है, ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में करेक्टर का ट्रांसफर होना हेरिडिटी कहलाता है। अब ये करेक्टर ट्रांसफर कैसे होते हैं? तो हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा है, उस लास्ट चैप्टर में हमारा क्या था? रिप्रोडक्शन। और उस रिप्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि डीएनए कॉपी करता है और मेल और फीमेल का जो डीएनए है वो गैमेट्स के थ्रू ऑफस्प्रिंग में पहुंच जाता है। और वो जो डीएनए होता है उसके पास क्या होता था? उसके पास बेसिक बॉडी डिजाइन की इंफॉर्मेशन होती थी। वो हाफ फीमेल यानी कि मदर से और हाफ मेल से किसमें पहुंच गया? ऑफस्प्रिंग में। और यही रीजन होता है कि जब रिप्रोडक्शन से एक ऑफस्प्रिंग बनता है तो वो सिमिलर होता है लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता, क्योंकि उन दोनों का जो डीएनए है, ये मैंने बात की सेक्स और रिप्रोडक्शन की। हमने सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ा। मैं फिलहाल बात कर रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये मेल से गैमेट आए, फीमेल से गैमेट आया, दोनों फ्यूज हुए। उन गैमेट्स में क्या था? उन गैमेट्स में डीएनए था। और डीएनए के पास क्या बताया था हमने? ब्लूप्रिंट होता है। किस चीज का? बॉडी डिजाइन का। दैट मीन कि ये जो ऑफस्प्रिंग यहां पर प्रोड्यूस होगा उसमें आधे करेक्टर फीमेल से आए हैं और आधे मेल से आए हैं, यानी कि आधे पेरेंट मदर से आए हैं और आधे फादर से आए हैं। इसीलिए वो पेरेंट अपने सॉरी इसीलिए वो जो बच्चा है वो अपने पेरेंट जैसा नजर आता है। अब यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट होता है, लेकिन उसमें भी जो बेसिक होता है वो यही होता है कि डीएनए जो होता है वो हाफ हो जाता है और हाफ डीएनए होकर ऑफस्प्रिंग में चला जाता है वो डीएनए। और वो डीएनए क्या करता है? जाकर वहां पर एक्सप्रेस करता है, और एक्सप्रेस करता है तो बॉडी डिजाइन जो होता है ऑफस्प्रिंग का वो सेम होता है। जैसे हमने ये सेक्सुअल में पढ़ा था, फॉर एग्जांपल ये है हमारा बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का डीएनए, ये पहले क्या करेगा? अमाउंट अपना डबल करेगा। डबल करेगा तो क्या हो जाएगा? ये अमाउंट क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। यही मैंने कहा। लेकिन अब ये और ये दोनों आपस में एक दूसरे से अलग होंगे और ये दोनों अपने पेरेंट्स से अलग होंगे। रीजन क्या बताया था हमने? रिप्रोडक्शन में ही बताया था रीजन, और अभी भी बता देता हूं। क्योंकि जब डीएनए से डीएनए बनता है तो ये प्रोसेस एक्यूरेट नहीं होता, यानी कि स्मॉल इनएक्यूरेसी आती है और वो स्मॉल इनएक्यूरेसी कोज करती है वेरिएशन, यानी कि वो किन का कारण होता है? वेरिएशन का। चलो अब देख लेते हैं क्या ये वेरिएशन सिर्फ एक जनरेशन तक रहती है और क्या इन वेरिएशन का एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन मतलब जुड़ना, क्या हर जनरेशन में ही जुड़ती है और जो है जुड़कर उस ऑर्गेनिज्म को क्या करती है? वेरिएशन सर्वाइवेबिलिटी में मदद करती है। तो क्या वेरिएशंस एक साथ, या फिर ये कह सकते हैं कि वेरिएशन जो है वो इकट्ठा होके जा रही है, बढ़ रही है, या फिर एक ही लेवल पर जा रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। इस एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेते हैं हम बैक्टीरिया का, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मैंने अभी बताया कि फॉर एग्जाम्पल ये है मदर का गैमीट
और ये है फादर का गैमेट। ऑब्वियस सी बात है, इनमें जो डीएनए है उसमें ऑलरेडी क्या है, वेरिएशंस हैं, स्मॉल वेरिएशन इसमें है, स्मॉल वेरिएशन इसमें है। क्यों है स्मॉल स्मॉल वेरिएशन? क्योंकि डीएनए जब डीएनए से कॉपी करता है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्यूरेट प्रोसेस नहीं है, तो एक्यूरेसी नहीं आ पाई, तो इसलिए क्या आ गई, वेरिएशन आ गई। तो स्मॉल वेरिएशन मदर से, स्मॉल वेरिएशन फादर से, ऑफस्प्रिंग में आकर इकट्ठा हो जाती है। ये ऑफस्प्रिंग सिमिलर तो होता है बॉडीज डिजाइन में, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होता ड्यू टू दीज वेरिएशन, एंड दीज वेरिएशन हेल्प इन द सर्वाइवेबिलिटी। ये तो बात हो गई हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि लार्ज वेरिएशन, मैक्सिमम वेरिएशन आते हैं। लेकिन अगर हम बैक्टीरिया जो कि एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, अगर हम उसका एग्जांपल देखें तो उसमें देखो हमें क्या देखेंगे, हम इसको ऐसा समझते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये था हमारा एक बैक्टीरिया, ये हमारा एक बैक्टीरिया, ये हमारा एक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया सिंपल सेल डिवीजन से, हम जानते हैं बैक्टीरिया तो सिंपल सेल डिवीजन से डिवाइड करता है, तो सेल डिवीजन हुआ और सेल डिवीजन से दो नए बैक्टीरिया बने, ये देखें। अगर इस बैक्टीरिया को देखें, इस बैक्टीरिया से दो नए बैक्टीरिया बने, और क्या ये दो बैक्टीरिया आपस में एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट आइडेंटिकल हैं, और क्या ये जो दो नए बैक्टीरिया हैं क्या ये अपने पेरेंट के आइडेंटिकल हैं? तो अगर हम इसका जवाब देखें तो हमारा जवाब हमारे सामने है। अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं, ये देखो इसका पैटर्न क्या है, अगर आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो कलर से उन्होंने रिप्रेजेंट करके दिखाया है, जैसे उन्होंने ग्रीन करके दिखा दिया है। तो मैंने यहाँ पर आपको जो मार्क्स दिखाए हैं वो यहाँ पर तिरछी लाइन में दिखा दिया और दूसरे में मैंने सीधी दिखा दिया। दैट मीन ये क्या है, ये है हमारी वेरिएशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, मतलब वेरिएशन का हर जनरेशन में एड होना, और जितनी ज्यादा वेरिएशंस ऐड होंगी सर्वाइबिलिटी के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं, यानी कि हमने कहा है कि वेरिएशन सर्वाइबिलिटी में मदद करती है। चलो देखते हैं, अब ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ फिर से, अब ये बैक्टीरिया डिवाइड हुआ, अब डिवाइड हुआ तो देखो क्या हुआ, क्या ये बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया के जैसा है, क्या आइडेंटिकल है, नहीं है। ये देखिए, क्या ये अपने पेरेंट्स से एक मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। दैट मीन मिलने का मतलब आइडेंटिकल, सिमिलर तो ऑब्वियस सी बात है, क्या आइडेंटिकल है, क्या एग्जैक्ट, आइडेंटिकल का मतलब बिल्कुल क्या एग्जैक्ट है, नहीं है। अब देखो जो पहले वेरिएशन आई थी वो तो ऑलरेडी है ही उसमें, लेकिन जब ये डिवाइड किए, यानी कि डीएनए जब कॉपी किया तो वो एग्जैक्ट नहीं कर पाया, तो स्मॉल क्या आ गई, डीएनए में बदलाव आया, और वो डीएनए का बदलाव हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। अभी देखो पहले की वेरिएशन प्लस जो अब वेरिएशन आई जुड़ गई, एक्यूमुलेशन हो गया, जुड़ गई, और ये अब इससे ज्यादा अच्छे से कंडीशन में, डिफरेंट कंडीशन में सर्वाइव कर पाएगा, और ये इससे ज्यादा अच्छे कंडीशन में सर्वाइव कर पाएगा, ये वाला इससे, और ये दो इससे। क्यों? क्योंकि वेरिएशन में ज्यादा है। दूसरी बात, अगर यहां आते हैं, यहां पर इसमें भी देखो,
इन दोनों को आपस में रिजेंबल करें तो वेरिएशन है, इसको पेरेंट्स से मिलाएं तो भी ये अलग है। तो यहां पर ये तो ऑलरेडी कहां से मिले, इसे पेरेंट्स से, और जब ये आगे इस जनरेशन में देखें तो हमें एक और जनरेशन, सॉरी एक और वेरिएशन देखने को मिली। तो ऑलरेडी ये थी और आगे वेरिएशंस, तो यहां पर एक्युमुलेट होगी, दैट मीन ये ज्यादा बेटर सर्वाइव करेगा इससे और ये ज्यादा बेटर सर्वाइव करेगा इससे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है, क्या सभी वेरिएशन बेनिफिशियल होती है और सभी में जो वेरिएशंस आती है क्या वो एक जैसा ही काम करती है? नहीं, जो वेरिएशन है वो डिपेंड करती है किस पर, डिफरेंट कंडीशंस पर। डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं और उसी में ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, सर्वाइव करता है। तो ये थी हमारी एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा फाइनली हेरिडिटी। अब हेरिडिटी मैंने क्या बताया, हमने हेरिडिटी बताया ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब देखो हमें ये भी पता लग गया कि ट्रांसफर कैसे होते हैं, कैरेक्टर डीएनए की वजह से होते हैं, हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है। अब ये जानेंगे कि हेरिडिटी में जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं और किस साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले बताया कि जो कैरेक्टर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। चलो तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इनहेरिटेड ट्रेट्स। हमारा नेक्स्ट है इनहेरिटेड ट्रेट्स, यस इनहेरिटेड ट्रेट्स। क्या होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स? ट्रेट्स हमारे करैक्टर्स, जैसे फॉर एग्जांपल हेयर का कलर, आईज का कलर, हाइट, बॉडी शेप, नोज की शेप, लिप्स की शेप, टीथ की शेप, स्किन कलर, ये सब आते हैं हमारे ट्रेट्स यानी कि करैक्टर्स इनहेरिटेड विच ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। वो करैक्टर जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं उनको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ईयर लॉब्स, ईयर लॉब्स दो तरह की होती हैं। अगर आपने कभी नोट की हो तो, जैसे फॉर एग्जांपल ये ईयर है तो ईयर में जो लोब होती है वो यहां पर अटैच होती है और एक ईयर लोब ऐसे फ्री भी होती है, एक अटैच होती है और दूसरी फ्री होती है। तो अगर इनके पेरेंट्स को देखो जिसमें अटैच है, उस अटैच में अगर उसके पेरेंट्स को देखें, अगर पेरेंट्स नहीं है तो दादा देखें या फिर उसके नाना नानी देखें, दादा दादी देखें, पापा मम्मी देखें, तो उनमें से किसी एक की जरूर आपको ईयर लोब अटैच मिलेगी। तो इसका मतलब साफ साफ है कि ये जो ईयर लोब अटैच है ये इनहेरिटेड ट्रेट्स हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये उसे कहाँ से मिला है, अपने पूर्वजों से मिला है यानी कि एंसेस्टर से मिला है या फिर आप कह सकते अपने पेरेंट्स से मिला है। सेम वही चीज है अगर वो ईयर लोब अटैच नहीं है, सेम फॉर एग्जाम्पल ये ईयर लोब होती है, ये ईयर लोब अटैच भी होती है, ईयर लोब फ्री भी होती है। तो फ्री और अटैच ये हो गया आपका एक करैक्टर और ये करैक्टर हमें कहां से मिलता, अपने पेरेंट्स से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, या इससे भी कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये था हमारा इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब इस इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने बताया, उस साइंटिस्ट के बारे में जान लेते हैं। तो इस हेरिडिटी या इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया उसका नाम था जी जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसने सबसे पहले बताया था कि जो करैक्टर है वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ये था हमारा आज का यहां तक का टॉपिक। कल हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने, या ये कह सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने किस तरीके से जो है करैक्टर को बताया था कि जो इनहेरिटेड ट्रेट्स है वो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन।